जाओगे, सुई लगवाओगे, वैक्सीन लगवाओगे, पक्का? I thought it would be a good vlog for people to know how does vaccination work in YouTube. No, no, I actually saw you because I can see you. Oh, really? So my parking is right, and my house is right on top of this pizza, Fireway Pizza. Oh, so I can see who is there and all. Trying vlogging now. This might go on video, but yeah, I've been trying vlogging now. That seems to be pretty popular nowadays. Yeah. A lot of interviews and I've done a lot of interviews, motivational videos, and all those things. Yeah. So now I'm trying something different for the last few videos. Really good. Well, yeah. I mean, this is like kind of help for the people, isn't it? Yeah. I did. कैसे हैं आप लोग? Yes, I'm back with another vlog. आज का vlog बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इससे पहले आप बताइए, आपने वैक्सीनेशन लगवाया कि नहीं लगवाया? जी हाँ, आज मेरा वैक्सीनेशन है. टुडे इज 4th ऑफ जून एंड टाइम इज अबाउट 6:15. आई एम रनिंग लिटिल लेट, बट आज मेरा वैक्सीनेशन होने वाला है, पहला डोज. आई डोंट नो मुझे कौन सा वैक्सीन लगने वाला है. विल आई हैव एनी साइड इफेक्ट्स और नॉट, आई डोंट नो. But I am excited and little bit nervous. Yeah, let's be honest, little bit nervous. So देखते हैं और आपको बताते रहेंगे. हमारे साथ डेविड हैं जो कि मुझे ले जा रहे हैं और फिर लेके आएंगे. चलिए करते हैं बातें आगे. वैक्सीनेशन इज डन. सॉरी आई कुड नॉट रिकॉर्ड, अलाउ नहीं किया तो फिर कुछ कर नहीं सकते. बट हाँ, आई हैव गॉट फाइजर वैक्सीन एंड उसके बाद मुझे 15 मिनट बैठने को बोला गया था, तो आई एम फीलिंग ओके. आई थिंक इट विल बी लाइक दैट, सो आई कीप यू पोस्टेड. Okay guys, so
आई थॉट आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया, तो मैं आपको थोड़ा बाहर बाहर से ऐसे बता देता हूँ क्या हुआ। तो जब मैं चिनेहम हाउस जहाँ पे वैक्सीन लग रही वहाँ पहुँचा, तो आई टॉक टू वन ऑफ द गाइस एंड उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बोला कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आप लोग को नहीं दिखा पाया। बट काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, घुसने के पहले आपका प्रॉपर आपको प्रॉपर सैनिटाइज कर रहे थे, उसके बाद आप जाइए वहाँ पे काउंटर पे आप अपना डिटेल बताइए एंड देन दे विल गिव यू अ स्लिप, और फिर वो आपको एक काउंटर पे ले जाएंगे, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा। देन द नर्स विल कम एंड दे विल ब्रीफ यू, आपको सारा आपसे सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बुखार तो नहीं था, आपको कोविड तो नहीं था, आपको और कोई सिम्टम तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएगी। उसके बाद आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाएगी कि अब आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है, इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और आपको क्या करना है। तो मेरे केस में फाइज़र वैक्सीन लगी है, तो फाइज़र यहाँ पे लग रही है सबको, तो मुझे भी फाइज़र लगी है। और वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने बोला कि यू हैव टू वेट फॉर 15 मिनट, तो करीब 6:25 पे मेरी वैक्सीन लगी थी, उन्होंने कहा आपको 6:40 तक यहीं पे बैठना है, और वैक्सीन लगने के बाद हो सकता है आपको अगले 1-2 दिन में हल्का फुल्का बुखार ऐसा कुछ आ सकता है, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, उस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, बट इन जनरल केसेस में अगर कुछ आता है तो आप पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन टाइप ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो जनरली कोई इशू होना नहीं चाहिए। मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों से बात की है और कुछ लोग को लगा भी है एंड दे ऑल सीम टू बी डूइंग फाइन, तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अगर आप एलिजिबल हो, अब जहाँ भी हो दुनिया में, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपको मिल रहा है वैक्सीन, तो प्लीज़ 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 लगवाइए, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इस वैक्सीन इस पेंडेमिक से बाहर आना है तो वैक्सीन ही अभी एक तरीका है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सारी सिक्योरिटी फॉलो करिए।